नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो क्वेरी है, आपके कमेंट है, उनका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि आपके जो ये एडमिट कार्ड की जो प्रॉब्लम है, इस पे ही मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की कि आप में इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बोल रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स नॉट एंटर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, IA मार्क्स नॉट एंटर्ड, इस तरह से जनरेटेड वगैरह आपका कुछ भी लिख के आता है, तो उसका मतलब है कि कॉलेज की तरफ से आपकी CCA नहीं लगी है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं देखी हो वीडियो, कि CCA का मतलब होता है आपके 30 नंबर इंटरनल मार्क्स जो आपके जाते हैं वो नहीं लगे हैं। उसमें आपका 5 नंबर अटेंडेंस, 5 नंबर क्लास टेस्ट, मतलब जो भी आपके टर्मिनल एग्जाम वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है, असाइनमेंट काउंट होती है, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें काउंट होती है, तो वो आपके नहीं लगे हैं। या तो आप एबसेंट रहते होंगे ज़्यादा, या वहाँ पे आपका डाटा उनको सही से नहीं मिल पाया, इसलिए कॉलेज बार बार वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाता है। आप खुद भी जाइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, तो आप पहले कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है पहले आप कॉन्टैक्ट कीजिए तो अपने कॉलेज से, वहाँ पे आपका सारा जो डाटा होता है वो उनके पास रखा होता है। उनको आपके कुछ सब्जेक्ट में कमी लगती है इसलिए भी वो अप्रूव नहीं करते हैं कई बार, क्योंकि उसमें आप कुछ चीज़ें गलत डाल देते हो और फिर आपको पता नहीं होता है। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे ही आप बोल रहे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आया, तो कॉलेज में आप एक बार पता कीजिए कि क्यों नहीं आया, क्या चीज़ है। और दूसरी बात, कई बार आप बच्चे पता क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे ही इसको लॉगिन करे जा रहे हैं, कि जैसे मैंने बताया आपको, मैं दिखा देता हूँ साइट ओपन करके। देखिए, आप HPU एडमिट कार्ड डाउनलोड लिखोगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे करते हो, कई बार आप कर सकते हो जनवरी बैच, तो आपका जनवरी बैच नहीं है। जो भी रेगुलर स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं कि आपका जनवरी बैच नहीं है, एनुअल या सेमेस्टर भी नहीं है, बल्कि अभी एनुअल है। तो आप जिनका सेमेस्टर है वो सेमेस्टर लिखे, लेकिन एनुअल पे पहले क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड, हालांकि आप सही डाल रहे होंगे, जो यहाँ पे आपकी ID पासवर्ड है वो मान लीजिए सही डाल रहे हैं, ईयर भी आप सही डाल रहे हैं। यहाँ पे आप एक गलती क्या करते हो कि फ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो आपको 4-5 चीज़ें आ रही है। तो एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था कि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती, मैंने यहाँ से वो स्क्रीनशॉट वहाँ पे ऐड किया था, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लेट कॉलेज कैपेसिटी के अंदर आते हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी एडमिट कार्ड जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, आप अगर फ्रेश करते हो और आपका जो लेट कॉलेज कैपेसिटी है तो नहीं हो पाएगा, आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे मना करेगा कि नहीं, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, वहाँ पे एंटर ही नहीं है मार्क्स। इसलिए अगर आपका इसका एडमिट कार्ड है तो आप इसको, आप यहाँ से लेट कॉलेज कैपेसिटी ही चुनें, अदरवाइज फ्रेश चुनें। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है कॉलेज जाएं, वहाँ पे पता करें, पहले ही आप यूनिवर्सिटी ना भागें, क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी सारी समस्या का हल हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहले कॉलेज जाओ, कॉलेज में पता करो, यहाँ पे अपने ऑप्शन सही चेक करो कि आप सही भर रहे हो या नहीं, तब आप यूनिवर्सिटी की तरफ भागो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो जरूर करना।